For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. ये सेलेब एम अवार्ड्स के लिए मैं आया हूँ और जाहिर है कोई भी अवार्ड्स सारे कलाकारों को बहुत अच्छा लगता है। ये अवार्ड्स हमें बताता है कि भाई आपने जो मेहनत की है, जो डेडिकेशन दिखाया है, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो ये पब्लिक का एक प्रसाद होता है जो हमें मिलता है और ये अवार्ड हमसे ये भी कहता है कि आज तुम आ गए तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हें आगे भी और अच्छा काम करना है। तो हर अवार्ड का बहुत सम्मान होता है और जिन लोगों ने, जिस जूरी ने ये डिसाइड किया होता है कि हमें दिया जाए, मेरे साथी को दिया जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत विनम्रता से इसको एक्सेप्ट करने के लिए आया और सेलेब एम की पूरी टीम को और जितने जूरी मेंबर हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लगे रहो। आप सेलेब एम वालों को लगता है कि मैंने लोगों को बहुत हंसाया और लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन और इस आर्ट के ज़रिए मैंने कुछ अच्छे काम भी करने की कोशिश की है और जनता के बीच में गया हूँ और उनके साथ खड़े रहा हूँ, चाहे हमारे कैंसर पेशेंट हों या किसी हॉस्पिटल का शो हो। अभी पिछले दिनों मैं अपने सोल्जर्स के लिए अपने जवानों को हंसा के आया हूँ, तो ये सब मेरे लिए गर्व की बात है। बेस्ट देखिए मुझे अंदाज़ा नहीं है और जो देंगे मैं उसे बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट करूँगा और हर अवार्ड ये ज़रूर मैसेज देता है उस आर्टिस्ट को कि आज हम तुम्हारे हाथ में आ गए, तुम और अच्छा काम करो। थैंक यू। हम बहुत खुश हैं क्योंकि सेलेब एम के पीछे जो है जिग्नेश भाई, योगेश भाई, तो वो हमारे बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं और पिछले 15 साल से जिग्नेश भाई के साथ हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं। डांडिया में लगे थे हमें जब हम नए नए आए थे और हम हमारे साथ पहला उन्होंने काम शुरू किया इवेंट्स का गुजरात मार्केट से, मीत क्रूज को लॉन्च किया था जब, तो तब से मतलब उनकी कंपनी की शुरुआत हुई थी और शुरू से हमें पता था कि जब भी ये फुल फ्लेश काम करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा। वी वेरी एक्साइटेड एंड यहाँ पे उनको विश करने आए हैं, आज जाके कुछ गाने भी गाएंगे। हमें तो उन्होंने इनवाइट करा है कि आप आइए एंड यू आर पार्ट ऑफ द फैमिली एंड वी वांट सेलेब एम टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट कंपनी। तो अब आगे क्या कराएंगे जिग्नेश भाई, योगेश भाई, अंदर जाके पता लगेगा। अवार्ड्स का कुछ पता नहीं होता। अप्रिसिएशन के लिए तो आदमी बॉम्बे आता है, पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट यू गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट। और कोई किसी तरह का अप्रिसिएशन हो तो वो हमेशा एक इंकरेजमेंट होता है और आपको आगे बढ़ने का एक और एक इट्स लाइक अनदर इंसेंटिव। और अवार्ड्स की आदत तो स्कूल में ही डाल दी जाती है क्योंकि तब वहाँ पैसे नहीं मिलते, सिर्फ अवार्ड्स ही मिलते थे स्कूल में। तो इसलिए अवार्ड्स का, चाहे आदमी कहीं पर भी पहुँचे, लेकिन अवार्ड्स का एक इंस्पिरेशन रहता है, एक एम रहता है। यू आर एनकरेज, इट्स अ वेरी गुड एनकरेजमेंट, सो व्हाई नॉट। बहुत सारे हैं लेकिन आई थिंक आज की डेट में तो जब रिलीज होता है तभी बताया जाता है, तो सही समय पे आपको सब बताया जाएगा। बट एमबी म्यूजिक जो हमारा चैनल चल रहा है उसमें हम लोग बहुत कुछ रिलीज कर रहे हैं। हमारा मुझे कैसे पता लगा जो अभी 100 मिलियन हो गया है, उसके बाद अब और बहुत रोमांटिक गाने आ रहे हैं। We're just looking forward. Bye, bye. Are you here, bye? Jignesh bhai bhi aa gaye yahan pe. Yes. Hamare handsome Jignesh bhai, jo Jignesh bhai humse pooch rahe hain ki aaj hum award dene aaye hain ki lene. Award lene aaye hain. Acha. Aur meri life, ye jo Sahel ka jo first year ho raha hai, ya the first person
बच्चों ने मुझे हाँ बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी में आ रहा हूँ, मुझे कुछ भी देखा नहीं कि कंपनी फर्स्ट है बॉर्न है, बट का द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे बोला यस मैं कंपनी में आ रहा हूँ, और आज कंपनी ने फर्स्ट कंप्लीट किया है बिकॉज ऑफ ओनली मी ब्रदर्स। क्या थैंक यू, क्या ये इनकम जी। देखिए जब से ब्रदर्स का चिटिया करना जो स्टार्ट हुआ है, आई थिंक नाउ के सॉन्ग्स नॉन स्टॉप है, ऑल द सॉन्ग्स इज हिट राइट, और अभी के जो एल्बम चल रहे हैं जो एडमिनिस जो नया चालू किया उन्होंने, आज उनके सब गाने मुझे लग रहा है आज यंगस्टर्स में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैं एमपी म्यूजिक मैं ब्रदर्स को देना चाहता हूँ, एमपी म्यूजिक कंपनी को अवार्ड देना चाहता हूँ कि ब्रदर्स जो तरक्की कर रहे हैं उसमें बहुत खुश हूँ कि ब्रदर ने हमारी तरक्की के लिए जो एक साल विदाउट एनी कमिटमेंट कि नहीं तुम तरक्की करो तुम्हारे साथ है, तो आज हम ब्रदर्स को बोलते हैं ब्रदर्स आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। क्या बात है, यही प्यार है भाईचारा है। हर एक आर्टिस्ट बड़े अवार्ड्स होते हैं, मिर्ची अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, बट खुद की कंपनी के आर्टिस्ट के कभी अवार्ड नहीं होते। आज मेरी कंपनी में 40 आर्टिस्ट हैं और मैं चाहता हूं कि मैं मेरी आर्टिस्ट को एनकरेज करूं। एक हमारी कंपनी आज पूरे इंडिया में करीबन 200 शोज कर चुकी है 1 ईयर में अंदर। मैं तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा डेक्ड अप हूँ, और स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि सेलेब एम को एक साल पूरा हो रहा है एंड इवन वी आर कोलैबोरेटिंग नाउ फॉर गुजरात महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। सो सेलेब एम के साथ मैं इन तीन स्टेट्स को लेकर कोलैबोरेट कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं जिग्नेश भाई, जिग्नेश भुट्टा, जिग्नेश शाह और योगेश कोपर जी को भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ दैट दे हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड। और आज के ज़माने में पार्टनरशिप में भी यू नो एक साथ जुड़े रहना बहुत मुश्किल बात है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम दैट दे आर प्रोग्रेसिंग सो वेल। और सेलेब एम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, एंड आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट, एंड दैट्स वाई आई हैव ऑल्सो जॉइन विद देम एंड जॉइन हैंड्स विद देम। एंड बस मैं भी चाहती हूँ कि हम सभी का एक साथ प्रोग्रेस हो, और सभी जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं सभी लोग तरक्की करें, और माई बेस्ट 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 विशेज टू ईच एंड एवरीबडी हु इज़ इन्वॉल्व इन दिस, चाहे वो बॉसेस हो या जितने भी टीम मेम्बर्स हों वो आर वर्किंग अंडर देम। आई थिंक एक फैमिली की तरह एकजुट एक साथ होकर जब काम करते हैं तभी ऐसी सक्सेस मिलती है, एंड दिस फर्स्ट एनिवर्सरी पे आई रियली वॉन्ट टू ग्रीट देम द बेस्ट। मैं फॉर्चुनेटली एंड लकीली आई एम गोइंग टू रिसीव द अवार्ड, और इस चीज़ को मैं डेफिनेटली एक यू नो एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट की तरह कंसिडर करने वाली हूँ, एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पुश मी अहेड टू डू मोर ऑफ गुड वर्क। मुझे 2018 ईयर एंड में जब ज़ीरो मूवी रिलीज़ हुई और कटरीना कैफ जी के लिए मुझे गाने का मौका मिला, जो यू नो एक क्लैन जो बना उसमें मुझे गाने का मौका मिला, एंड अजय अतुल जी का म्यूज़िक था इसमें, इरशाद कामिल जी ने गाना लिखा हुआ है, एंड ऑफ कोर्स इट्स शाहरुख खान मूवी, एंड मैंने शाहरुख खान जी के मूवी में सर के मूवी में मैंने पहले भी गाया था रईस में उड़ी उड़ी जाए, और उसके बाद मुझे दूसरी उनकी ही फिल्म में गाने का मौका मिल रहा है, यू नो अनुष्का शर्मा जी भी हैं, कटरीना कैफ के लिए यू नो गाना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एंड इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू रिसीव द अवार्ड फॉर दिस थिंग। वेरी सून एक्चुअली इट वाज सपोज टू गेट रिलीज्ड बिफोर 2 months, लेकिन फिल्म थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, संजय दत्त जी की मूवी है और उसमें मैंने गाया है, सो देर आर लॉट मेनी थिंग्स कमिंग अप, और मेरा एक सिंगल भी रिलीज़ कर रही हूँ, मैं पहला सिंगल रिलीज़ कर रही हूँ बहुत जल्द, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। श्योर श्योर। पूरा श्रेय मेरे डिजाइनर को जाता है, अपर्णा की भी, शी इज राइट हियर विद मी, थैंक यू दादी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे स्टाइल आइकॉन 2019 अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड।
एक्साइटेड. हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ तो अंदर भागने की तैयारी है बस मेरी. ऑनेस्टली मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहती. इससे पहले भी यू वोंट बिलीव मैं इतनी जल्दी तैयार होके निकली हूँ. ये मैं सिर्फ 45 मिनट्स में तैयार होके निकली हूँ तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं रहती. और जो मुझे मिल जाता है, जो मैं अपनी डिज़ाइनर पे पूरा भरोसा रखती हूँ, माई स्टाइलिस्ट एक्चुअली डिसाइड्स फॉर मी एंड जो देती है मैं फटाक से पहन के बस निकल जाती हूँ. सो आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस. अच्छे से खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और हमेशा मुस्कुराते रहो. जी देखिए, उन्होंने बहुत गंदी सी हरकत की है जो शायद मैं नहीं होती अगर मेरे साथ किया है. मैंने तो इतना नहीं कुछ किया उनके लिए, लेकिन कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली इससे बड़ा एक्शन लेती और ज़्यादा चीज़ें बोलती उनके बारे में. बट ये मेरी यू नो सभ्यता है और जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ, मैंने बहुत कम रिएक्ट किया है मुझे ऐसा लगता है. बट बहुत घटिया हरकत थी जहाँ पे एक लड़की के बारे में आप इस तरह की बात बोल रहे हैं कि उसके साथ स्विमिंग पूल में नहाने के छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं. ये सही नहीं लगा मुझे एंड सही नहीं है. तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया है. बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाए. जब मेरी दीपक से बात हुई थी तो दीपक ने मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगी इस बात के लिए. लेकिन वो माफ़ी भी इस तरह से थी कि उसमें भी एक तरह का एटीट्यूड था. उन्होंने एक अपॉलोजी एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया और उसके बाद उसको निकाल भी दिया. एंड देन वो कहते हैं कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. तो भाई ये कहाँ से पब्लिसिटी स्टंट हो गया जहाँ मैंने कोई पहल नहीं की है. आप मुझ पर वीडियो बना रहे हो, आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो और सडनली मुझे कह रहे हो कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है. आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भी नहीं लेती कहीं पर. सो या यस, बिल्कुल बिल्कुल. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए. एंड बट आई एम डूइंग टू फिल्म्स, दो मूवीज़ कर रही हूँ, एक गाना मेरा रिलीज होने वाला है. सो या कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बीच में और जो मैं आपको बताती रहूँगी. थैंक यू. तो बेस्ट परफॉर्मर संगीत, बेसिकली वेडिंग्स ये सबको नाचना गाना पसंद है. एंड एज अ सिंगर इफ यू कैन गेट एवरीबडी टू कम ऑन द डांस फ्लोर एंड एट द सेम टाइम नॉट मेक इट लुक लाइक अ शो. यू नो आई थिंक शादियों पे लोग चाहते हैं कि ऐसा माहौल हो कि फैमिली माहौल लगे, मिलजुल के सारी फैमिली साथ आके इंजॉय करें, डांस करें. ऐसा ना लगे कि परफॉर्मर कोई है, हम आके ताली बजा रहे हैं और घर जा रहे हैं. बिकॉज वो तो किसी अवार्ड शो में भी ऐसा ही होगा. सो आई थिंक एक संगीत या कोई शादी के परफॉर्मर में द क्वालिटी दैट वन इज लुकिंग फॉर इज समबडी हु कैन जस्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड जस्ट यू नो सेलिब्रेट विद देम रादर देन परफॉर्मिंग फॉर देम. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो आई थिंक द फैक्ट दैट सेलिब्रेट मेस फेलिसिटेटेड मी एज द बेस्ट परफॉर्मर फॉर संगीत, आई एम प्रीटी हैप्पी एंड ऑनर्ड दैट दे थिंक आई एम वर्थी ऑफ दिस. सो Absolutely. But you know, I think after having done TV and films and live shows is where my heart is. Because जो एक मैंने बहुत साल एंकरिंग की है और ऐसी ये कैमरा के साथ 7 साल मैंने एक कमरे में निकाले हैं और when that camera is replaced by a ground with 10,000 people, उससे better कोई feeling नहीं है. So I think to be a live performer for me, that's where my heart lies. I absolutely love it and I'm very thankful to Celebrim and they're doing a great job. Ek saal mein itne shows kiye, so want to wish them luck because they're so passionate. Unki puri team, they're so passionate about whatever they're doing and they're very respectful to their artists and wo client ka bhi utna hi khayal rakhte hain jitna artist ka rakhte hain. So I think wo ek balance hona bahut zaroori hai. So I'm very happy. I think music is one thing, like Madonna said, music makes the people come together. So I'm happy to be a part of the music fraternity and I'm happy that music se hum khushiyan phailate hain, logon ko nachate hain, logon ko unke gham bhula dete hain. And maine kabhi socha nahi tha ki main is industry mein bhi aaungi. Main to apni padhai likhai karke Delhi mein baithi thi. To main logon ko yahi bolna chahungi ki never give up on your dream. You know, aapke khwab chahe jo bhi ho, chahe jitne bhi unrealistic ho,
मैं डॉक्टर्स की फैमिली से थी फ्रॉम अ सिटी इन चंडीगढ़ और किसी का आज दूर दूर तक बॉलीवुड से कुछ लेना देना नहीं था जो मुझे पता लगा कि पिंक क्लिप्स मेरी आवाज़ में आ रहा है आई कुडंट बिलीव इट बिकॉज आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ इट मैंने तो वहाँ तक ड्रीम भी नहीं किया था तो जितने ऐसे लोग हैं जिनके ड्रीम्स हैं वो यू नो ये ना सोचें कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज ड्रीम्स डू कम सो यू नो जस्ट कीप वर्किंग एट इट एंड जस्ट टेक थ्रू एन ऑनेस्ट थोड़ी ना गानी है मुझे आधी रात को सताने लगे मुझे अपने साथ तड़पाने लगे तू आज पास ये बुलाने लगे तुझे छूना चाहे मेरे ये मेरे ये मेरे पिंक क्लिप्स पिंक क्लिप्स पिंक क्लिप्स पिंक क्लिप्स पिंक क्लिप्स पिंक क्लिप्स पल पल तुझको करते हैं थैंक यू For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.